करीब चौथी शताब्दी 326 ईसा पूर्व गुप्त साम्राज्य के खत्म होने के बाद पश्चिम भारत और उत्तर भारत छोटे छोटे भागों में बट गए। तब बंगाल में एक वंश का उदय हुआ जिसे हम गौड़ वंश कहते हैं। गौड़ वंश के फाउंडर थे राजा शशांक। इनका राज चला 590 से 625 ईस्वी तक। इन्होंने अपना कैपिटल बनाया कर्ण सुवर्ण, जो आज का मुर्शिदाबाद है। शशांक का राज्य उड़ीसा तथा बंगाल में स्थित था। रोहतास जो गया में स्थित है, वहां एक मुहर और उत्कीर्ण लेख से पता चलता है कि शशांक मौखरी नरेश अवंती वर्मन का महासामंत था। शशांक को कई नामों से जाना जाता था, जैसे शशांक नरेंद्र गुप्त, शशांक देवगुप्त, शशांक शेखर। इनका शासन राजा हर्षवर्धन और भास्कर वर्मन के समय पर ही चल रहा था। हेनसांग के अनुसार राजा शशांक ने बौद्ध स्तूपों को नष्ट कर दिया था और इसने बौद्ध वृक्ष जो बौद्ध गया में स्थित था उसको भी नष्ट किया था। शशांक ने बिहार के कुशीनगर से बौद्धों को निष्कासित कर दिया था और कन्नौज को हथियाने की मानसिकता से वर्धन वंश के राजा राजवर्धन के पास अपनी बहन की शादी का प्रस्ताव रखता है और वर्धनों के साथ एक अच्छा रिलेशन बन जाने के बाद राजवर्धन को धोखा देकर मार देता है। इसके बाद राजवर्धन का छोटा भाई हर्षवर्धन एक बड़ी सेना लेकर उसके तरफ बढ़ने लगता है, जिससे वो भयभीत होकर बंगाल की तरफ भाग खड़ा होता है। हेनसांग के विवरण से पता चलता है कि शशांक की मृत्यु 600 ईसा पूर्व के आसपास होती है और उसकी मृत्यु के बाद शशांक के राज्य को हर्षवर्धन अपने साम्राज्य में मिला लेता है। गौड़ नरेश शशांक के बारे में इतिहास में बहुत कम जानकारी मिलती है। इतिहास के सुनहरे पन्नों को पढ़ने के लिए देखते रहें बर्नी इंसाइक्लोपीडिया।